सर क्या बताएंगे, अभी अपना वीक शुरू हो गया है, अभी कल का लास्ट डे, क्या बताएंगे पूरे इस प्रोग्राम के बारे में? जो 17वां एडिशन मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का है, जिसमें आज छठा दिन है और कल इसका क्लोजिंग सेरेमनी है। अभी तक बहुत अच्छा रिस्पांस हमें सभी सिनेमा लवर से मिला है। लगभग 10,000 से ज़्यादा फुटफॉल अभी तक इस फेस्टिवल में हो चुके हैं। सारी स्क्रीनिंग्स जो हैं, इनफैक्ट 90% से ज़्यादा स्क्रीनिंग्स में पूरा थिएटर फुल है। मास्टर क्लासेस जो ली गई उनमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। कल कृष्ण जोशी की जो मास्टर क्लास थी, नाला मुथु की मास्टर क्लास थी, आज रसूल कुट्टी की मास्टर क्लास है, तो लोगों में काफ़ी उत्साह है इन दिग्गजों से बात करने का, इनको सुनने का। इसके अलावा जो लोकल मार्केट भी हमने छोटा सा जो डेवलप किया है, उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों से मिला है। इवन जो B2B हब है, जिसमें कि प्राइम, अमेजोन, पॉकेट फिल्म्स है, शॉर्ट फिल्म्स है, उसके अलावा डॉक्यू बे है, प्लैनेट मराठी, ये सब जो प्रोबेबल कंटेंट बायर्स है, इनसे जो आज इंटरेक्शन हमने किया, तो इनको भी काफ़ी कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म्स के लिए मिला है। और फिल्म मेकर्स को भी एक काफ़ी कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, ताकि वो अपना कंटेंट्स लोगों को इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से उपलब्ध करा सके। ओवरऑल पूरा माहौल बहुत ही आनंदमय रहा, बहुत ही उल्लासपूर्वक लोगों ने पूरे कैंपस में इस मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आनंद उठाया। और निश्चित तौर पे लोगों की प्रशंसा सुन के हम लोग भी काफ़ी गदगद हुए हैं, और हमारी टीम भी का जो मनोबल है वो काफ़ी ऊंचा है, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये फेस्टिवल दोबारा आए और दोबारा इस तरीके का मंच लोगों को दे सकें। सर कल क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में क्या बताएंगे, कौन चीफ गेस्ट रहेंगे और क्या? देखिए, कल जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो 5 बजे नेहरू सेंटर वर्ली में है, जिसमें कि सारे जो अवार्ड्स हैं अब तक के जो जूरी ने फाइनल किए हैं, उन अवार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसमें महामहिम राज्यपाल जो हैं वो इसके चीफ गेस्ट होंगे, और जो ये प्रिसाइड ओवर जो इवेंट है, ये हमारे माननीय राज्य मंत्री श्री एल मुरुगन साहब करेंगे। श्रीमती दर्शना जरदोस जो माननीय राज्य मंत्री हैं, वो भी इस फंक्शन के दौरान रहेंगी। इसके अलावा और कई सारे जो रेस्पेक्टेबल MPs हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से वास्ता रखते हैं, उनको भी हमने आमंत्रित किया है। तो ये काफ़ी हम काफ़ी इसकी उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी लोगों के द्वारा अटेंड की जाएगी। सारे अवार्ड्स जो विनर्स हैं उनके जो एक्सपीरियंस इस फेस्टिवल के दौरान है वो शेयर किए जाएंगे। पूरी जो फेस्टिवल रिपोर्ट है वो इस दौरान रखी जाएगी।